आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी पैरामीटर, कोई भी एनालिसिस, कुछ भी नहीं, उस टाइम पे फोरकास्टिंग आपको सीधा और सरल डायरेक्शन देगा, इस कंपनी की शेयर बाय करना चाहिए या फिर नहीं। आपके पास डीमैट अकाउंट है, कैसे शेयर बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो भी आपको बताया है। लेकिन कौन सी शेयर बाय करना है और कैसे खुद से एक बेस्ट कंपनी को चूज करना है? आप बोलोगे रिसर्च करना आसान थोड़ा ही है, मैं बोलूंगा बहुत ही आसान है। वीडियो देखने के बाद एक 15 साल की बच्चा भी सीखेगा कैसे शेयर मार्केट रिसर्च करना है। लेकिन 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 रिसर्च में आगे बढ़ने से पहले मेरा नया व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। हे एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वॉचिंग क्यू डिजिटा। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी कॉन्टेंट। आज हम खुद से एक बेस्ट कंपनी पिक करना सीखेंगे, जिसे आप शेयर मार्केट रिसर्च भी कह सकते, टिकरटेप वेबसाइट की मदद से। वेबसाइट की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। टिकरटेप वेबसाइट की होम स्क्रीन, बहुत सारे रिसर्च टूल, बहुत सारी फीचर्स है इनमें। ज्यादातर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में ही मिलता है, कुछ एडवांस फीचर्स के लिए इसकी पेड सब्सक्रिप्शन प्लान भी है। बट एज ए बिगिनर आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, फ्री ट्राई करें, यूज करें, रिसर्च करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए, फिर सोच सकते हैं। और हाँ, आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो होगी 100% फ्री टूल्स की मदद से। वेबसाइट के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करने से एक मेनू मिलता है, पहला है स्कैनर, दूसरा है मार्केट मूड इंडेक्स जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद स्टॉक्स, लर्न एंड ब्लॉग, बहुत सारे फीचर्स है इनमें। लेकिन आज हम केवल फोकस करेंगे रिसर्च के ऊपर, इसलिए क्लिक करें पहला ऑप्शन स्कैनर पे। जैसा नाम ऐसा ही काम, इसकी मदद से किसी भी कंपनी को स्कैन किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है। अब अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहते, आपको नाम पता है, डिटेल में रिसर्च करना चाहते उस कंपनी के बारे में, उस सिचुएशन पे यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी नेम डाल के भी आप रिसर्च सेक्शन ओपन कर सकते। ओपन करने के बाद कैसे रिसर्च करना है वो हम जानेंगे इस टाइमलाइन पे। और अगर आप टिकरटेप वेबसाइट की मदद से खुद के लिए एक अट्रैक्टिव कंपनी ढूंढना चाहते, देन मुझे फॉलो करें। वेबसाइट के अंदर यहाँ पे दिया गया है मार्केट कैप के हिसाब से भारत की देश की सबसे बड़ा कंपनी की लिस्ट, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और भी बहुत सारे है रैंकिंग के हिसाब से। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिलता है बहुत सारे फिल्टर, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स के ऊपर क्लिक करें, आपको कुछ फिल्टर्स मिलेगा। पहला निफ्टी 50 सिलेक्ट करने से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड भारत की सबसे बड़ा 50 कंपनी की लिस्ट मिलेगा। और निफ्टी 100 सिलेक्ट करने से मिलेगा रैंकिंग वाइज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड देश की सबसे बड़ा 100 कंपनी की लिस्ट। तो अगर आप एक अच्छा लार्ज कैप कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते, देन इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी साइज में बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इनमें रिस्क फैक्टर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी की तुलना में कम रहता है। लार्ज कैप यानी कि कम फ्लक्चुएशन और स्मूथ ग्रोथ। और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते, देन सिलेक्ट करें निफ्टी मिड कैप 100। इसे सिलेक्ट करने से मिलेगा देश की सबसे बड़ा 101 से लेकर 200 कंपनी की लिस्ट। मिड कैप थोड़ा ज्यादा रिस्की है लार्ज कैप कंपनी की तुलना में, रिस्क इंक्रीज होने के साथ साथ इस कैटेगरी की कंपनी से हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिल सकता है। अब क्लिक करें सी मोर के ऊपर, यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100। इसे सिलेक्ट करने से मिलेगा रैंकिंग वाइज देश की सबसे बड़ा 251 से लेकर 300 तक कंपनी की लिस्ट। स्मॉल कैप यानी कि छोटा कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है इनमें। इनमें दूसरी कैटेगरी की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की भी है। कंपनी छोटा या फिर नया होता है, इसलिए मार्केट की खराब टाइम पे, खराब सिचुएशन पे सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। मार्केट गिरने से तुरंत स्मॉल कैप कंपनी की शेयर वैल्यू भी गिरता है, तो स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा रिस्की है। लेकिन दूसरी किसी भी कैटेगरी की तुलना में स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज रखता है। और अंत में इसे सिलेक्ट करने से मिलेगा रैंकिंग वाइज देश की सबसे बड़ा 500 कंपनी की लिस्ट। एज ए बिगिनर आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा लार्ज कैप कैटेगरी की मार्केट लीडर कंपनी के अंदर निवेश करने की, आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा दूसरी किसी भी कैटेगरी की तुलना में। जो भी है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च ऑप्शन, अगर आप स्पेसिफिक कोई भी एक सेक्टर में निवेश करना चाहते, देन यहाँ पे आपको हर एक सेक्टर मिलेगा। सपोज आप बैंक की शेयर खरीदना चाहते, देन सिलेक्ट करें फाइनेंशियल। अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते, देन हेल्थ केयर सिलेक्ट करना है। और अगर आप इंडस्ट्रियल या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते, देन आपको सिलेक्ट करना होगा इंडस्ट्रियल। ऐसे ही और भी बहुत सारी सेक्टर है, आप जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे मिलता है मार्केट कैप वाइज रिसर्च ऑप्शन, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप यानी कि भारत की सबसे बड़ा 100 कंपनी, और मिड कैप यानी कि देश की सबसे बड़ा 101 से लेकर 250 कंपनी, और स्मॉल कैप यानी कि देश की सबसे बड़ा 251 से लेकर जितना भी कंपनी लिस्टेड है उतना कंपनी। उसके अलावा यहाँ से कंपनी की क्लोज प्राइस के हिसाब से भी फिल्टर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पी रेशियो या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिल्टर करने की ऑप्शन। साथ ही साथ यहाँ से ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करके और भी फिल्टर ऐड किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिस भी कैटेगरी की कंपनी आप रिसर्च करना चाहते उस हिसाब से आप कोई सा भी फिल्टर डाल सकते हैं। जो भी है, मैं लार्ज कैप कैटेगरी से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, जो कि जनरली HDFC के नाम से जाना जाता है, मैं उसे रिसर्च करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ से लार्ज कैप सिलेक्ट किया। और यहाँ पे लार्ज कैप की लिस्ट पे 5th पोजीशन पे मुझे मिला हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड या फिर HDFC, इसके ऊपर क्लिक किया। देन ऐसा ही एक ऑप्शन मिलेगा, हमें क्लिक करना है राइट टॉप कॉर्नर पे दिया गया इस सिंबल के ऊपर। मैं इस कंपनी की मदद से रिसर्च करने की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, इसे देखने के बाद आप कोई भी कंपनी रिसर्च कर पाएंगे। स्क्रीन पे है HDFC कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हर एक इन्फॉर्मेशन, हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी टाइम अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहते, आपको नाम पता है, डिटेल में रिसर्च करना चाहते उस कंपनी के बारे में, इस सिचुएशन पे आप डायरेक्टली कंपनी नेम यहाँ पे एंटर करके भी उसे ओपन कर सकते, आपको सेम रिसर्च पेज मिलेगा। और एक बात, HDFC और HDFC बैंक दो अलग कंपनी है, दोनों की पेरेंट कंपनी है एक, लेकिन बिजनेस पर्पस से अलग अलग। HDFC बैंक की काम है बैंकिंग और HDFC की काम है होम लोन देना। जो भी है, मैं इस कंपनी की मदद से रिसर्च करने की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, इसे देखने के बाद आप कोई भी कंपनी रिसर्च कर पाएंगे। इस पेज पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और यहाँ पे देखने को मिलेगा करेंट ट्रेडिंग डे पे शेयर वैल्यू कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। रेड कलर में है यानी कि डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 0.49% यानी कि 11 रुपीज। उसके बाद इंट्रेंसिक वैल्यू, इसे आप फेयर वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पे बोला गया इस कंपनी की करेंट वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि शेयर की एक्चुअल वैल्यू जितना है उससे भी ज्यादा भाव पे बिक रहा है। मैक्सिमम टाइम हर एक कंपनी की शेयर वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा ही रहता है। यहाँ पे है रिटर्न वर्सेस FD रेट, यानी कि इस कंपनी की शेयर बैंक फिक्स डिपोजिट से ज्यादा रिटर्न दिया है या फिर नहीं। इस कंपनी ने तो दिया है, अगर कोई भी कंपनी बैंक FD से कम रिटर्न जनरेट करता है, उस कंपनी की शेयर बाय करने की कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, तो आपको तुरंत उस टाइप की कंपनी को इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद डिविडेंड रिटर्न, इसे आप बोनस भी कह सकते हैं। कोई कोई कंपनी प्रॉफिट की कुछ हिस्सा एज ए बोनस थोड़ा थोड़ा करके हर एक इन्वेस्टर को देता है, जो कि जाना जाता है डिविडेंड रिटर्न के नाम से। और यहाँ पे बोला गया है HDFC अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की मानना है डिविडेंड देने से अच्छा है उस पैसा से कंपनी को एक्सपेंड करना, नया प्रोडक्ट या फिर सर्विस लॉन्च करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि अगर कंपनी बड़ा होगा, नया प्रोडक्ट या फिर सर्विस लाएगा, देन शेयर प्राइस होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। उसके बाद एंट्री पॉइंट, यानी कि फिलहाल इस कंपनी की शेयर बाय करना चाहिए या फिर नहीं, उसकी सजेशन मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि फिलहाल HDFC के लिए बोला गया है गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरब्रॉट जोन। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इनमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, आपको ये भी चेक करना है रिसर्च करने की टाइम। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर पे मिलता है प्राइस चार्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइस के साथ साथ शेयर वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दिया गया है वो है एक दिन की प्राइस चार्ट। आप यहाँ पे क्लिक करके कंपनी की एक वीक की प्राइस चार्ट, एक मंथ की प्राइस चार्ट, एक साल की प्राइस चार्ट, पाँच साल की प्राइस चार्ट, उसके अलावा मैक्स यानी कि जिस दिन पे कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हुआ था उस दिन से आज तक की प्राइस चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला है SIP चार्ट, यानी कि लिस्टिंग डे से हर महीना अगर आप केवल 100 रुपया करके इस कंपनी की शेयर बाय किया होता, देन आज की डेट पे आपको टोटल कितना रिटर्न मिलता वो यहाँ पर दिया गया है। फिर से लौटते हैं एक साल की चार्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम पे इसकी शेयर वैल्यू गिरा है ऑलमोस्ट 10%, तो एक सुनहरा मौका हो सकता है हर एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हम सबको पता है शेयर प्राइस कम होने पे, गिरने पर हमें शेयर बाय करना चाहिए, और प्राइस इंक्रीज होने की टाइम उसे सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। रुकिए, अगर प्राइस गिरा है देन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको और एक चीज चेक करना है, प्राइस क्यों गिरा है, प्राइस गिरने की एग्जैक्ट कारण क्या है, रीजन क्या है, कंपनी की खराब परफॉर्मेंस या फिर मार्केट की गिरना, कोई टेम्पररी प्रॉब्लम या फिर परमानेंट इश्यू। फिलहाल हम सबको पता है मार्केट सिचुएशन काफी खराब है, लास्ट एक वीक से हर एक कंपनी की शेयर वैल्यू लगातार गिरा है, तो हमने देखा मार्केट सिचुएशन ही खराब है और कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। इसकी सेक्टर है फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और इनमें रिस्क से कम। उसके बाद है की मैट्रिक्स जो कि आपको समझना चाहिए। इनमें पहला है पी रेशियो यानी कि प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बट नॉर्मली ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इस कंपनी की पी रेशियो है 23.18 जहाँ पे सेक्टर एवरेज है 51.66 यानी कि कंपनी सेक्टर एवरेज को 50% से भी ज्यादा मार्जिन से बीट किया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बीपी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। नॉर्मली ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। जैसे कि इस एग्जांपल में कंपनी की बीपी रेशियो सेक्टर एवरेज से ज्यादा है, साथ ही साथ कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है सेक्टर एवरेज से। तो हमने देखा चाहे इस कंपनी की पी रेशियो हो, पीबी रेशियो हो या फिर डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है और सेक्टर एवरेज से ज्यादा भी। उसके बाद फोरकास्टिंग एंड रेटिंग जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही शानदार एक टूल है। आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी पैरामीटर, कोई भी एनालिसिस, कुछ भी नहीं, उस टाइम पे फोरकास्टिंग आपको सीधा और सरल डायरेक्शन देगा इस कंपनी की शेयर बाय करना चाहिए या फिर नहीं। अगर बाय करना चाहिए दिन कितना परसेंट रिकमेंडेड है वो भी दिया रहेगा यहाँ पे। जैसे कि इस कंपनी की शेयर बाय करने की रिकमेंडेशन है ऑलमोस्ट 90%। तो ये टूल बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाला है बिगिनर्स के लिए बाइंग डिसीजन लेने में। ये बात याद रखना, जितना बड़ा परसेंटेज उतना ही ज्यादा रिकमेंडेड। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रो टूल्स जो कि केवल पेड प्लान में ही मिलेगा। देन नीचे यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटर कंपनी की लिस्ट। देन यहाँ पे मिलता है और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर फाइनेंशियल ट्रेंड, जिसकी मदद से हमें जानकारी मिलेगा कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि 2016 में कंपनी ने 53.22 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट किया था जिनमें प्रॉफिट हुआ था कुछ 10.10 करोड़ रुपीस। अगले साल 2017 पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ। 2018 पे भी सेम स्टोरी देखने को मिला और 2019 पे और भी ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया इस कंपनी ने। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, कंपनी की प्रॉफिट साल पे साल इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है देन ठीक है, और अगर प्रॉफिट दिन पे दिन डिक्रीज हो रहा है देन कंपनी को इग्नोर करना चाहिए। इसकी राइट साइड पे हमें मिलता है और एक इम्पोर्टेंट चीज, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग। जैसे कि इस कंपनी में इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनीज हैज ऑलमोस्ट स्टेट कांस्टेंट, यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है लास्ट 6 मंथ से, जो कि बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटिंग होल्डिंग बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, इसकी मतलब है कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ चल रहा है, उस टाइप की कंपनी को आपको इग्नोर करना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा प्रोमोटिंग होल्डिंग गिर रहा है तो उस तरह की कंपनी में हमें निवेश नहीं करना है। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी सेम है लास्ट 3 मंथ से। उसके अलावा नीचे यहाँ पे मिलता है कंपनी और मार्केट के बारे में कुछ छोटा बड़ा न्यूज एंड अपडेट। तो आगे से कोई भी कंपनी की शेयर बाय करने से पहले हमें मिनिमम इन सारे पैरामीटर्स को चेक करना ही करना है। और टिकरटेप वेबसाइट के अंदर सब कुछ आपको एक ही जगह पे रेडीमेड मिलता है। और अगर आप कंपनी के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं देन ऊपर यहाँ पे हर एक पैरामीटर आपको मिलेगा और भी डिटेल में। तो इतना आसान था शेयर मार्केट रिसर्च करना। किसी भी कंपनी की शेयर बाय करने से पहले आपको बस कुछ पैरामीटर्स चेक करना इस वेबसाइट की मदद से। दोस्तों आज की वीडियो के बारे में आपका क्या राय है और आपके मन में कोई भी सवाल या फिर क्वेश्चन चल रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख डालिए। आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक करे और पसंद ना आने पे डिसलाइक करे। इसी तरह की ट्रस्टेड क्वालिटी कॉन्टेंट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बजाना ना भूले। जो भी है थैंक यू दिल से, हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।